हेचप काऊ सप्लायर या चैनल मध्ये अपना सर्वांचं प्रथमतः स्वागत। हमारे महाराष्ट्र की मशहूर मंडी लोनी मंडी से कर्नाटक यादगीर में छः गाय जा रही है। रेड्डी राठौड़ ये यादगीर का यहाँ कर्नाटक में ये गाय जा रही है। 6 गाय है तो उसका मिल्क कैपेसिटी 20 लीटर अबव दिया है। तो अभी जो गाय लिया है पहला मैं आपको दिखाऊंगा। चलो इधर ये सेकंड लैक्टिवेशन वाला है। तो ये एक मिल्क कैपेसिटी 25 अबव मिल्क कैपेसिटी हमने पिक्स बोला है। तो आपको ये गाय के बारे में एचएफ क्वालिटी का है तो इसको आपको क्या लगता है कितना मिल्क कैपेसिटी देने की? ये 25 तक देना अपने को ज़रूरी है। चलो हमने 28 लीटर बोला है तो 25 लीटर तक दे सकती है। तो अपन ये 78,000 के हिसाब से सब गाय दिया है तो अपन ये गाय देख सकते हैं। ये भी गाय एचएफ क्वालिटी का है। 25 लीटर साबव मिल्क कैपेसिटी है। ये 24 मिल्क कैपेसिटी वाला काऊ है। ये सब गाँव 20 लीटर अबव काऊ दिया है। तो अपन जो सर्विस दिया है उसके बारे में रेड्डी राठौड़ ये यादगीर से है तो आपका नाम पूरा बोल दीजिए। और आपका रेड्डी राठौड़ यादगीर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। जो मुझे कितना दिन से कहाँ से नंबर मिला? मैं 6 महीने से एकदम यूट्यूब ने फॉलो कर रहा था कि मेरा मन में अभी कर्नाटक गया था तो कर्नाटक से मेरा मन में आया कि मैं बहुत से कॉन्टेक्ट करो तो कॉन्टेक्ट करके मैंने फिर इधर आया। फिर मैंने जो सर्विस दिया जब से आए हैं आप तब से लेके अभी तक? नहीं, कल से हम रात को 10 बजे कल 12 बजे से हम यादगीर से निकले थे कर्नाटक से। फिर हमको आने तक इधर 11:30 बज गया रात को। हमको रहने का लॉजिंग किया, खाने का बंदोबस्त किया, रहने का सुबह सवेरे 5 बजे उठ के हम लोग ने मार्केट में आए। हाँ, अभी तक जो गाय लिया है उसका जो परचेसिंग किया है उसके जो परचेसिंग में कुछ अरुण भाई से कुछ गद्दारी या परचेसिंग में कुछ? नहीं, हमारे से ज़्यादा नीचे से लाके गाय दिलाया है। हम 60,000 का 70,000 का गाय 80,000 का गाय टारगेट था तो 60,000 70,000 80,000 में दिलाया है। हाँ। हमारे से ज़्यादा हमको अच्छा किया, कम रेट में दिया है ऐसे। तो जो कर्नाटक में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो आपने भाषा में जो कन्नड़ है उसमें बोल दीजिए कि आरुम भाई मेरे को तो कन्नड़। हाँ, वो एक मिनट मैं बोलता। हाँ, इधर आइए आप जो गाय देखने वाले वो अपने से बात करवाएंगे कि आरुम भाई के पास जाना है सर्विस कैसा है कन्नड़ में बोल दीजिए। अरविंदी होगा वाले नमग आक को नमगेन हेल्प कल्स्तान। सर्विस कैसा है आरुम भाई का? सर्विस चलो आता अरुण अन्ना सर्विस चलो आता। रेट के बारे में क्या फर्क नहीं फर्क इला बार्गेनिंग में कैसा चलता है? 1 रुपये फर्क इला ये नमारी नमक हेल्प मारी कास्ता ना। जो आने वाले कस्टमर है उनके लिए क्या बोलेंगे? यार बराबर इधर बंद अतन कड़ी ऐन इदिल्ला मोस इला मत्तोंदिल्ला बंद अतन फोन नंबर तक ऐन व्यापार मारी नमन वल्लद मारी कास्ता ऊरी। हाँ क्या मंडे में माल कैसा रहता है? अच्छा है चलो इतव मंडद अतनी गुर्तिरतव हाल को हाल हम कोव हेल्ला अट गुर्तिरतव। थैंक यू। हम जो गाय लिया है तो रेड्डी साहब आप देख लीजिए, अपन रेड्डी साहब के साथ देख लेंगे। अभी आइए तो साथ में ये गाय लिया है। खड़ा रहो खड़ा। हाँ, ये 25 लीटर मिल्क कैपेसिटी वाला आपको लगता है 25 लीटर के अभाव? हाँ ओके, ये हाँ ज़्यादा तो है वो कम बोलते हैं हम। तो ये भी 20 लीटर के अंदर कुछ अंदर बाहर 18-20 के लगभग चल सकती है वो बोल दिया है। ये भी 24 लीटर अभाव एंड मिल्क कैपेसिटी का दिया है। तो सब गाय 25 लीटर अभाव दिया है तो आपको ये मंडी में आना होगा। तो नक्की ये एक बार हमें कॉल कर दीजिए और जो रेड्डी और राठौड़ साहब ने हमसे जो गाय लिया है तो उनको साथ लगा तो आप बात कर सकते हैं, हम उनका नंबर दे सकते हैं।
तो इन्होंने अभी 25 लीटर साबाव काउ लिया है, तो 78,000 रुपीज से ये सब काउ गया है। आप अच्छा क्वालिटी वाला HF ABS डेनमार्क ये ब्रीडिंग वाला काऊ चाहते हैं तो ये लूनी मंडी में आपको अवेलेबल कर देते हैं हम। आपको गाय के बारे में कुछ गारंटी दिया जाता है, उसमें गाय का दिल पड़ना और आंचल की 100% गारंटी दिया जाता है। हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये गाय कर्नाटक में यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में जा रही है। आपको ये लोनी मंडी में आना होगा तो मंगल को दोपहर से 2 बजे से गाय काऊ आना चालू हो जाता है और बुधवार को सुबह 6 बजे से 5 बजे तक ये मंडी चालू रहती है। आपको अच्छा क्वालिटी वाला और 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर मिल्क कैपेसिटी वाला काऊ चाहिए तो ये मंडी में मिलता है। अच्छा क्वालिटी वाला और 25 लीटर 30 लीटर दूध मिल्क कैपेसिटी वाला गाय चाहिए तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।